हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अभिषेक श्रीवास्तव, वेलकम टू ईटेक। आज हमारा टॉपिक है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। आइए शुरू करते हैं। यहाँ कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। पहला पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद फिनोमिना एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रिसिटी एट रेस्ट। इलेक्ट्रोस्टैटिक एक ऐसी साइंस की ब्रांच है जो कि रुकी हुई इलेक्ट्रिसिटी को ही डील करता है। इलेक्ट्रिसिटी इन द रेस्ट का मतलब हो गया कि जो चार्जेस हैं वो स्टेशनरी कंडीशन में है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों चार्जेस के केस में बात हो सकती है। तो हम लोग इसको, जो भी ब्रांच साइंस की इसको डील करती है, उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलते हैं। दूसरा पॉइंट है कि जनरली एन एटम इज एन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। किसी भी एटम को हम लोग क्या कहते हैं, जनरली क्या कहते हैं, वो न्यूट्रल है। न्यूट्रल इसलिए बोलते हैं कि उसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, वो एक दूसरे से के बराबर है। ठीक है, तो अगर किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो वो इलेक्ट्रिकली क्या होगा, न्यूट्रल होगा। क्योंकि प्रोटॉन क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो निगेटिवली चार्ज होते हैं। चलिए थर्ड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। सम इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव फ्रॉम द एटम ऑफ बॉडी। अगर किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। और इसी के अपोजिट अगर हम लोग देखेंगे कि अगर सम इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो हम किसी बॉडी में अगर ऐसा होता है कि इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो जाते हैं तो वो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी कहलाती है, और अगर इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो जाते हैं तो वो निगेटिवली चार्ज बॉडी कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, द पॉजिटिव इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ बॉडी रिजल्ट फ्रॉम डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो पॉजिटिव इलेक्ट्रिफिकेशन अगर किसी बॉडी का होता है तो वो डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है, और अगर नेगेटिव इलेक्ट्रिफिकेशन की बात करें तो वो क्या होता है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। देखिए, इलेक्ट्रॉन्स कहीं भी ज़्यादा होंगे तो नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा, तो वो क्या होंगे, नेगेटिवली चार्ज बॉडी होगी, तो वो नेगेटिवली इलेक्ट्रिफिकेशन रिजल्ट्स में नेगेटिवली इलेक्ट्रिफिकेशन आएगा, और अगर कहीं इलेक्ट्रॉन्स कम है तो वहाँ पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होंगे तो वो पॉजिटिव इलेक्ट्रिफिकेशन आएगा। नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं, द टोटल डिफिशियंसी और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉडी इज नोन एज इट्स चार्ज। अगर डिफिशियंसी हो रही है या फिर इलेक्ट्रॉन्स की एक्सेस हो रही है तो उनकी टोटल अगर हम लोग वैल्यू निकाल लें तो वो आपको क्या कहलाता है, उस बॉडी का चार्ज कहलाता है। ठीक है, तो आशा है आपको ये चीज़ समझ में आए होगी, सारे पॉइंट्स क्लियर समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, और तब तक के लिए थैंक यू सो मच।